यादव जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर रमेश अपने ही बचपन के दोस्त का खून क्यों करेगा? और अगर उसे खून करना ही होता तो फिर खुद पुलिस स्टेशन आकर अपना जुर्म क्यों कबूल करता? और ना सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया, जिस खंजर से महेश का खून हुआ था उसे बरामद करने में भी पुलिस की मदद की। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, महेश का खून रमेश ने नहीं किसी और ने किया, और वो बड़ी ही चालाकी से रमेश के कंधे पे बंदूक रखकर निशाना लगा रहा है। अगर अपने को सही खूनी तक पहुंचना है तो वापस से वही मौका या वारदात पे जाना होगा और फिर से छानबीन करनी पड़ेगी। असली खूनी का पता हमें जरूर वहीं से मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा सुराग वहां पर जरूर उसने छोड़ा होगा जिससे हम असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलो मौका वारदात पे चलते हैं और फिर से अच्छे से छानबीन करते हैं।